खींचेंगे नहीं पाकर। प्रदेश महामंत्री श्री महिमा कटियार जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रदेश सचिव श्री जेपी सिंह जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल एक बहुत ही मजबूती के साथ बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक खड़ा हुआ हमारा एक विंग है और इस विंग की वर्तमान समय में बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाले हों, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे आदरणीय योगी जी के विरोध वाली मानसिकता वाले, चाहे वो दल के नेता के रूप में हों और चाहे कोई उनके समर्थक हों, और उनको जवाब देने का काम हमारा ये सोशल मीडिया का जो डिपार्टमेंट है, जो आईटी विभाग है, वो देने का काम करता है। जिन्हें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नाम दिया है कि आईटी सेल के कार्यकर्ता नहीं बल्कि ये साइबर योद्धा के रूप में इन्हें जाना जाए, और आज वह योद्धा के रूप में पार्टी के हित में, देश के हित में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तो आईटी सेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, इसका बड़ा उपयोग है और जहाँ जहाँ स्मार्टफोन है वहाँ वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहुंचे। सर, ये राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर के आपने बड़ी बात दोहरा दीजिए कि कब बनेगा मंदिर और कौन बताएगा? देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ, जब भी बनेगा वहाँ भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनेगा, वहाँ बाबर के नाम की कोई इमारत स्मारक नहीं बनेगी। हमसे विरोधी सवाल करते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ तारीख श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बताएगी। शहरों के नाम चेंज बदले जा रहे हैं, तो आपके मंत्री राजभर सिंह कह रहे हैं कि जो तमाम मुस्लिम पार्टियों के तमाम ऐसे नेता जो मुस्लिम हैं उनके भी नाम बदलने चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी की चिंता करें, हमको सलाह न दें।